आज हम ये सीख रहे हैं कि मिसाल के तौर पे हमने कोई शीट क्रिएट करना तो सीख ली, जैसे लास्ट क्लास में मार्कशीट्स वगैरह और दीगर शीट्स पर हमने काम करना सीखा, लेकिन शीट्स की मॉडिफिकेशन से रिलेटेड क्या ऑप्शन है। मॉडिफिकेशन से मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर एक रो मौजूद है, अब आपको अगर कोई एंट्री इन दोनों के दरमियान करनी है तो किस तरह से करेंगे, और अगर आपको इन दो कॉलम्स के दरमियान में एक कॉलम चाहिए तो आप कैसे करेंगे, या किसी कॉलम को हाइड करना है उसको अनहाइड करना है, या कोई नई शीट ऐड करानी है या शीट को हाइड करना है, तो ये काम आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके ऊपर आपको बेहतरीन तरीके से कमांड होनी चाहिए। सबसे पहले यहां पर आपको तीन कमांड्स के टैब्स नजर आ रहे होंगे, एक है इंसर्ट और एक है डिलीट और एक है फॉर्मेट। ये तीनों बता रहा है कि आप इंसर्ट से रिलेटेड रोज कॉलम्स ऐड करा सकते हैं, डिलीट रोज एंड कॉलम शीट को डिलीट कर सकते हैं, और फॉर्मेट में इनकी रोज की हाइट और कॉलम की विड्थ को सेट कर सकते हैं, या इनको हाइड एंड हाइड या इनका नाम वगैरह चेंज करना हो, ये मुख्तलिफ चीजें आप इसके अंदर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। चलाइए हम इसको सीखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं, अगर आपको सीरियल नंबर वन एंड टू के दरमियान में अगर एक रो ऐड करानी है तो आप किस तरह से ऐड कराएंगे, तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं इनको ऐड कराने के। एक तरीका तो ये है कि पहले ये समझे कि रो कहाँ ऐड होगी। मिसाल के तौर पर मैं अपना इंसर्शन पॉइंट मतलब सेल पॉइंटर यहां रख रहा हूं, तो ये रो नीचे ऐड होगी या ऊपर ऐड होगी, तो एक्सेल के अंदर जब भी आप रो ऐड कराएंगे वो ऊपर की तरफ ऐड होगी, तो मतलब अगर आपको इसके दरमियान में चाहिए तो यहां रखना है, इनके दरमियान में चाहिए तो यहां रखना है। तो क्लिक करेंगे यहां पर, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक करेंगे तो एक रो ऐड हो जाएगी। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, राइट बटन दबाएंगे यहां पर और इंसर्ट में जाएंगे और कहेंगे एंटायर रो, और जैसे ओके करेंगे तो एक रो ऐड हो जाएगी। अब तीसरा तरीका जो शॉर्टकट है, इजिएस्ट वे है कि आप जहां रो ऐड करानी है वहीं पर आइए, यहां रो नंबर पर, रो नंबर पर जब आपका एरो इस तरह से आ जाए लेफ्ट एरो ब्लैक, तो यहां राइट बटन दबाइए और जैसे इंसर्ट कहेंगे इट मींस कि एक्सेल ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि एक रो ऐड करनी है, और ये देखिए एक रो ऐड। ये तो हो गया एक रो को ऐड कराना। इसी तरह से अगर आप एक से ज्यादा छह रो एक साथ ऐड कराना चाहते हैं फिर क्या करना पड़ेगा, मेथड चाहे आप कोई भी यूज करें आपको छह रोज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सिक्स रोज, 1 2 3 4 5 6, देन आप चाहे यहां से इंसर्ट पे जाके रोज कहें शीट रोज, चाहे आप यहां राइट बटन दबा के कहें इंसर्ट, चाहे आप यहां राइट बटन दबा के कहें इंसर्ट, सिक्स रोज ऐड होनी चाहिए थी, पर ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने यहां से ऑप्शन जो लिया है ये शॉर्टकट वाला ऑप्शन सिर्फ एक रो ऐड को ऐड कराने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपको 6 या 10 या 20 जितनी रोज चाहिए तो उतनी रोज सिलेक्ट करके फिर आपको इंसर्ट में जाके और यहां से कहना पड़ेगा शीट रोज, यहां देखिए क्या लिखा हुआ रोज, और देखिए उतनी रोज ऐड होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से शीट के अंदर रोज को ऐड करा सकते हैं। अब आती बात रो डिलीट करने की, कि मुझे डिलीट करनी है रो, तो आप क्लिक करेंगे जिस रो को डिलीट करना है और फिर कहेंगे डिलीट और कहेंगे शीट रो, तो ये वही लाइन डिलीट होगी जिस पर आपका इंसर्शन पॉइंट था। आप क्लिक करेंगे उस रो पर और उसको कहेंगे राइट बटन दबा के डिलीट और कहेंगे एंटायर रो, तो वही रो डिलीट होगी जिस पर आपका इंसर्शन पॉइंट था। आप राइट बटन दबाएंगे तो रो के ऊपर और आप कहेंगे डिलीट, तो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी वो रो जिस पर आपका इंसर्शन पॉइंट था। अगर आपको 5-6 लाइन एक साथ डिलीट करनी है तो उन 5-6 लाइंस को या जितनी लाइंस उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, रोज को सिलेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि आप ऐसे करके सिलेक्ट करें, भाई आप ऐसे भी सिलेक्ट करेंगे तो रोज ही सिलेक्ट हो रही है ना। फिर डिलीट में यहां से कह दें शीट रोज और जैसे ही करेंगे क्लिक तो ये यहां से डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आप डिफरेंट रोज को एड और डिलीट करा सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कॉलम किस तरह से ऐड कराते हैं। तो सबसे पहले आप जब कॉलम ऐड कराने की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलम कहां ऐड है। तो कॉलम हमेशा एक्सेल में लेफ्ट साइड पर ऐड होगा। कहां ऐड होगा? लेफ्ट साइड पर। इट मींस कि अगर मुझे इन दोनों के दरमियान में कॉलम को ऐड कराना है तो मुझे अपना इंसर्शन पॉइंट या सेल पॉइंटर यहां रखना होगा। अगर इन दोनों के दरमियान में ऐड कराना है तो मुझे अपना इंसर्शन पॉइंट सेल पॉइंटर को यहां रखना होगा। तो क्लिक करके यहां कहेंगे इंसर्ट और शीट रोज के नीचे कौन सा ऑप्शन है? कॉलम। जैसे क्लिक करूंगा इंसर्ट शीट कॉलम तो एक कॉलम ऐड हुआ लेफ्ट साइड पर। अगर इन दोनों के दरमियान में ऐड कराना है तो यहां क्लिक किया, राइट बटन दबाया, इंसर्ट और यहां से कहा एंटायर कॉलम। कॉलम मींस सीधी लाइंस, वर्टिकल लाइंस, और रो मींस हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्लिक करेंगे ओके, ये ऐड हो गया। इसकी भी एक शॉर्टकट कमांड है, अगर मुझे इन दोनों के दरमियान में कॉलम ऐड कराना है तो मैं यहां राइट बटन दबाऊंगा, देखिए कॉलम के कैरेक्टर के ऊपर, सी कैरेक्टर पे, बी कैरेक्टर पे, बी कैरेक्टर पर, जैसे राइट बटन दबाऊंगा और यहां क्या ऑप्शन आएगा इंसर्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि कॉलम ऐड कराना चाह रहे हैं और एक कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे 4-5 कॉलम एक साथ ऐड कराने हैं तो उतने कॉलम्स को सिलेक्ट करना है,
और फिर कह रहा है इंसर्ट शीट कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉलम्स ऐड होते चले गए। अब इसी तरह अगर मुझे किसी कॉलम को डिलीट करना है तो उस कॉलम पे क्लिक करूंगा, यानी कि किसी भी जगह पे उस कॉलम पे, मतलब जरूरी नहीं कि मैं ऐसे सेलेक्ट करूं, गलत, कहीं भी उस कॉलम पे कहीं भी क्लिक कर लें और डिलीट की कमांड पर जाके यहां से कहेंगे शीट कॉलम, तो भी कॉलम डिलीट हो जाएगा। राइट बटन दबाएंगे यहाँ कैरेक्टर पर उस कॉलम के और कहेंगे डिलीट, तो भी कॉलम डिलीट हो जाएगा। और राइट बटन दबाएंगे यहां पर और कहेंगे डिलीट और एंटायर कॉलम, तो भी कॉलम डिलीट हो जाएगा। और अगर एक साथ चार पांच कॉलम डिलीट करने तो उतने कॉलम्स को इस तरह रोज के अंदर डिलीट सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद आप किसी पे भी राइट बटन दबा दें या यहां से जाके डिलीट शीट कॉलम में क्लिक करेंगे तो वो सारे कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। और इस कॉलम को डिलीट करने के लिए मैं राइट बटन दबा के डिलीट और एंटायर कॉलम करके डिलीट कर रहा हूं। तो इस तरह से आप रोज को ऐड भी करा सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर एक शीट ऐड करानी है तो एक तरीका तो ये कि यहां पर आपको मैंने समझाया था कि ये शीट को मैनेज करने के ऑप्शन है, इसका मतलब है लास्ट शीट दिखाओ, इसका मतलब है फर्स्ट शीट टैब दिखाओ। ये शीट का नाम दिखा रहा है और शीट का टैब है ये, शीट टैब, यानी कि किसी वर्कबुक के अंदर अगर ज्यादा शीट्स हैं तो फिर हमें यहां से लास्ट पर जाने के लिए और फर्स्ट पर आने के लिए और ये स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट करने के लिए, प्रीवियस प्रीवियस नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं। तो यहां से भी हम एक नई शीट ऐड करा सकते हैं और यहां से मैं राइट बटन दबा के उसको डिलीट भी कर सकता हूं। लेकिन इसी काम को करने के लिए एक और तरीका भी है कि आप जहां भी मौजूद हैं, चाहे यहां मौजूद हैं चाहे यहां मौजूद है, अब यहां पीछे वाली यानी कि इसके पीछे भी तो शीट्स है ना, उसको देखने के लिए प्रीवियस 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 और फर्स्ट पे जाना है तो फर्स्ट यहां क्लिक करके जैसे ही मैं यहां आता हूं या यहां आता हूं या मैं यहां आता हूं तो अब एक शीट ऐड करानी है तो इंसर्ट, और यहां पर भी ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट शीट का, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक शीट ऐड हो जाएगी और सर जितनी शीट चाहे ऐड करा लें। और डिलीट करने के लिए भी ऑप्शन है कि अगर आप डिलीट में आएंगे ये रोज है ये कॉलम है और यहां से कहेंगे डिलीट शीट तो ये शीट जिस पर आप मौजूद है वो पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। शीट का नाम कैसे चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक इंसर्ट में जाके एक न्यू शीट ऐड कराई और उसका नाम रखा ए ए ए ए, तो अब इसका नाम चेंज करना है तो मैंने आपको बताया कि डबल क्लिक करके कर ले, या फिर आप फॉर्मेट में जाके यहां से कमांड है रीनेम शीट, इस पर क्लिक करें वो आ गया, अब मैंने इसका नाम दिया आर ए एस, या फिर आप यहां से राइट बटन दबा के एक रीनेम कमांड है यहां से लॉन्च कर ले जी एफ जी, मैंने इसका नाम रख दिया, या फिर आप इस पर डबल क्लिक करें ऑटोमेटिकली कर्सर फ्लैश हो जाएगा और फिर इसका नाम आप यहां से इसको चेंज कर लें। और अब अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहां से राइट बटन दबा के डिलीट कर दें पूरी शीट को, और या फिर डिलीट में जाके यहां से इसको डिलीट कर दें तो भी ये डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मुख्तलिफ रोज भी ऐड करा सकते हैं, कॉलम्स भी ऐड करा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उनको डिलीट भी कर सकते हैं और शीट भी ऐड करा सकते हैं और शीट को डिलीट भी कर सकते हैं।